दोस्तों आईपीएल 2023 के ऑक्शन में शेल्डन जैक्सन, संदीप शर्मा, दासुन सनाका, माइकल ब्रेसवेल समेत काफी सारे प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए थे और स्टीव स्मिथ जैसे कई सारे प्लेयर्स ने अपना नाम ऑक्शन में नहीं दिया था। लेकिन अभी इन सभी खिलाड़ियों की रिजर्व विंडो में आईपीएल में वापसी होगी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी आईपीएल टीमों ने कौन कौन से बड़े प्लेयर्स को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर अपने स्क्वाड में शामिल किया। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पर जा करके TPC44 सर्च करके हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2023 के रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट बता देते हैं। तो इस लिस्ट में पहला बड़ा नाम आता है शेल्डन जैक्सन का, जहां पर शेल्डन जैक्सन दिल्ली कैपिटल्स के रिजर्व या फिर रिप्लेसमेंट प्लेयर बनेंगे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत चोट के चलते आईपीएल से बाहर हो गए। तो कंडीशन में शेल्डन जैक्सन को दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से उनके स्क्वाड के रिजर्व प्लेयर बनने का ऑफर आया है। दूसरा बड़ा नाम आता है दासुन सनाका का, जिनको राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग कोच लसित मलिंगा ने अप्रोच किया, जहां पर ओबेड मकोई के रिप्लेसमेंट के तौर पर राजस्थान की टीम सनाका को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहती है। और सनाका ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हो सकता है कि आईपीएल में रिप्लेसमेंट विंडो में उनकी किसी टीम में वापसी हो जाए। इसके बाद तीसरा बड़ा नाम आता है ग्रेराल्ड कॉटेज का, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन फास्ट गेंदबाज है और इन्होंने मिनी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था और करेंटली चेन्नई के काइल जेमिसन चोट के चलते आईपीएल से बाहर होने वाले हैं। तो इस कंडीशन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ग्रेराल्ड कॉटेज को अपने स्क्वाड में शामिल करने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि इस गेंदबाज के पास काफी बेहतरीन स्किल है। इसके बाद अगला बड़ा नाम आता है संदीप शर्मा का, जिनको राजस्थान रॉयल्स की टीम कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने स्क्वाड में अप्रोच करेगी। और इसके बाद अगले प्लेयर का नाम नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस के हेड कोच मार्क बाउचर ने उनका नाम अभी तक रिवील नहीं किया, जहां पर मार्क बाउचर ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के किसी गेंदबाज को मुंबई की टीम अपने स्क्वाड में शामिल करेगी और इसका खुलासा उन्होंने साउथ अफ्रीका T20 लीग के एक इंटरव्यू में किया था। इसके साथ ही स्टीव स्मिथ को भी कई सारी आईपीएल टीमों की तरफ से रिजर्व प्लेयर बनने का ऑफर मिला है, जहां पर अगर किसी टीम के विदेशी बैट्समैन चोटिल होते हैं तो उस कंडीशन में स्मिथ रिजर्व प्लेयर बन जाएंगे। और इसके साथ ही मार्टिन गप्टिल ने पीएसएल में जब से शतक लगाया तो उनको भी कई सारी टीम जैसे कि पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से रिजर्व ओपनर बनने का ऑफर मिला है। तो ये था आईपीएल 2023 के रिजर्व और रिप्लेसमेंट प्लेयर्स का नाम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।